खबर रीवा से है। पुलिस अधीक्षक नवदीत भसीन के निर्देश अनुसार सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर भर के थाना प्रभारी के साथ देर रात पुलिस ने शहर के होटल व हाईवे के ढाबों पर चेकिंग की। इस दौरान कई जगह संदिग्ध हालत में मिले लोगों से कड़ी पूछताछ की गई और तलाशी भी ली गई। पुलिस ने होटल संचालकों को बिना आईडी और पुख्ता तस्दीक के किसी को भी होटल में कमरा ना देने का अल्टीमेटम दिया। देर रात सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने चेकिंग अभियान चलाया। होटलों व ढाबों की चेकिंग के दौरान जहां भी लोग शराब पीते संदिग्ध हालत में मिले, वहां के संचालकों को अल्टीमेटम दिया गया और साफ लहजे में कहा गया कि अगर दोबारा कोई भी शराब पीता मिला तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होटलों में जाकर वहां रखे रजिस्टर को चेक किया गया और संचालकों को निर्देश दिया गया कि बिना आईडी और पुख्ता तस्दीक के किसी को भी होटल में कमरा ना दिया जाए। कमरे में रुकने वालों की पूरी जानकारी रजिस्टर में रखी जाए, जरूरत पड़ने पर पुलिस को खबर दी जाए। हर जगह चेकिंग अभियान किया गया, होटल क्या उद्देश्य था, कैसा था? कल माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रीवा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज होटलों में और लॉज और ढाबों में चेकिंग की गई है और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं ताकि शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। और जगह जगह पर कई और पुलिस अधिकारी जो थे वो भी कार्रवाई किए हैं, कैसे कार्रवाई की, कहाँ कहाँ कार्रवाई, कैसे कैसे कार्रवाई की? चूँकि ये कार्रवाइयाँ अब डेली चल रही हैं और शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयाँ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार की जा रही हैं जिससे कि शहर सुरक्षित बना रहे। होटलों में क्या चेक किया जा रहा है? होटल्स में मेन हमने रिकॉर्ड चेक किया है कि रिकॉर्ड होटल्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, साथ ही जो बाहरी लोग आते हैं रुकने के लिए उनके आईडी रखते हैं या नहीं, ये सारी चेक की गई हैं चीज़ें। और साथ ही जिन रूम्स में हमें लगा कि संदिग्ध लोग रह सकते हैं तो उन रूम्स को भी जाके हमने चेक किया है।